वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है मेरी? बता दो फटाफट, बता दीजिए फटाफट। आई थिंक आ रही होगी। देखो हमने ना फंडामेंटल राइट्स को ना बहुत ही डिटेल वे में किया था। याद रखिएगा जब आप लक्ष्मीकांत से फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो काफी टाइम लगेगा आपको, एक एक चीज समझनी पड़ती है फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि हम पीटी के लिए बेसिकली ये क्लास कर रहे हैं 2023 के पीटी के लिए। तो यदि आप आरंभ ये प्लेलिस्ट देखोगे ना मेरे चैनल पे जाके, जो पॉलिटी की आरंभ प्लेलिस्ट है अपने चैनल पे, उसमें आपको फंडामेंटल राइट से रिलेटेड मेरे ख्याल से 8 से 10 क्लासेस मिलेंगी एक एक घंटे के आसपास की। बहुत डिटेल से फंडामेंटल राइट को कराया गया है। मतलब आप ये मान लीजिए कि अगर फंडामेंटल राइट से कोई भी क्वेश्चन बनता है, कोई भी क्वेश्चन बनता है, वो इन क्लासेस की रेंज से बाहर नहीं बनेगा। तो जिस बच्चे को फंडामेंटल राइट समझ में नहीं आते हैं, पर्टिकुलर किसी आर्टिकल को लेके कोई डाउट रहता है, जैसे आर्टिकल 32 को लेके बच्चों को डाउट रहता है, आर्टिकल 22 को लेके डाउट रहता है कि भाई ये निवारक निरोध क्या है ना, या फिर हम कहें आर्टिकल 13 को लेके बेसिकली बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट रहता है, 13 वाले एरिया को लेके जो संविधान के पूर्व की जो विधियों से रिलेटेड है कि भाई यदि वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती है तो फिर वो अवैध होंगी, इस तरीके की बातों में ना काफी बच्चों को बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। आज हम करेंगे फंडामेंटल राइट के एमसीक्यूज, ठीक है? ये है बेसिकली जो इजी वाले एमसीक्यूज हैं, जो सीडीएस सीएपीएफ वाले एमसीक्यूज हैं वो फिर मैं अलग टाइम पे करा दूंगी, एक टाइम पे दोनों चीजें पॉसिबल नहीं थी। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। तैयार हो एमसीक्यू के लिए? आवाज आ रही है या फिर मैं वैसे ही बड़बड़ा रही हूँ, बता दो एक बार। नमस्ते, राम राम, वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे एक बार ये बता दो, बता दीजिए आवाज आ रही है मेरी ना? मतलब गुड मॉर्निंग तो बहुत बढ़िया बात है यार, वेरी गुड मॉर्निंग, लेकिन जो हम ठीक है चलो शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच इतना बड़ा एहसान करने के लिए, बताने के लिए मेरे को है। चलो तो ललिता दहिया अकेडमी पे आप सबका स्वागत है दोस्तों। फटाफट जुड़ जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी से। इस टेलीग्राम चैनल पे मेरी सारी क्लासेस की लिंक, टाइमिंग, नोटिफिकेशन, पीडीएफ सब कुछ आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। इसके अलावा आप जुड़ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम और मेरे फेसबुक पेज से भी। फटाफट अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिए ललिता दहिया अकेडमी ऐप को। ललिता दहिया अकेडमी ऐप को इंस्टॉल करने के बाद इसे साइन अप कर लीजिए। साइन अप करने के बाद दो बैच चल रहे हैं, पॉलिटी विद करंट अफेयर्स फॉर आईएएस मेंस 2023-24 और 2025 तक के बच्चों को मात्र 2100 रुपए में। इस बार का जो सेकंड पेपर है, यदि आप क्लास का फॉर्मेट देखोगे और क्लास का जो भी मटेरियल पीडीएफ से ही वो हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? यदि हम कुछ एक इन जो सोशल जस्टिस और गवर्नेंस वाला एरिया छोड़ दें तो ऑलमोस्ट कंप्लीट पॉलिटी अपनी क्लास से आया है, कंप्लीट पॉलिटी, ठीक है? तो याद रखिएगा बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है पॉलिटी वाला बैच। आप जुड़ सकते हैं लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियो। इसके अलावा दोस्तों इंटरनेशनल रिलेशंस विद करंट अफेयर्स 23-24-25 तक के बच्चों का बैच चल रहा है मात्र 1625 रुपए में। तो आप जुड़ सकते हैं कंप्लीट इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा क्लास के बाद, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करवा दीजिए, ठीक है भाई? तो फंडामेंटल राइट की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बताओ फटाफट निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सही पूछा है, कौन सा सही है। क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, हम इसे गोल करेंगे ताकि हमारी नजर रहे कि सही पूछा है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट में समर्थन किया गया था। नेहरू रिपोर्ट में फंडामेंटल राइट को लेके समर्थन किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में फंडामेंटल राइट्स को प्रश्रय दिया गया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 में मूल अधिकार शामिल किए गए थे और क्रिप्स मिशन 1942 में मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया गया था। क्या सही है? नेहरू रिपोर्ट की 3-4 बेसिक फंडे पता होने चाहिए, ठीक है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अंकित, रोहित, कनक, अमरेश, दिव्या, याद रखिएगा 1928 की नेहरू रिपोर्ट इसलिए भी बहुत एक तरीके से हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे
फंडामेंटल राइट की बात की गई थी, पहली बार फंडामेंटल राइट की बात की गई थी औपचारिक तरीके से। बाकी तो फिर नेहरू रिपोर्ट के बारे में हम इतिहास में और फिर आगे जाके पढ़ेंगे ही, पॉलिटी में भी पढ़ेंगे, इतिहास में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा ये बताओ, इस मतलब एक क्वेश्चन ऐसे ही आ गया दिमाग में, नेहरू रिपोर्ट ने क्या बात की थी, मेन इसकी कमी क्या थी, कोई बताएगा मुझे मेन कमी क्या थी नेहरू रिपोर्ट की, कोई बच्चा बताएगा जो सबसे बड़ी कमी थी, जिसको लेके फिर इनके सुपुत्र श्री जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी ने इनका विरोध भी किया था और फिर एक अलग संगठन भी बनाया था। कोई भी बच्चा, चलो नहीं, वेरी गुड भाई, वेरी गुड अंजलि, ध्यान रखना दिव्या, बहुत ही बढ़िया। डोमिनियन स्टेटस की बात की थी, पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं की थी, डोमिनियन स्टेटस की बात की थी नेहरू रिपोर्ट ने, तो ये इनकी सबसे, इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी कमी मानी जाती है। वेरी गुड भाई, सबको पता है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है, ये बताइए। मौलिक अधिकारों को लागू कौन कर सकता है, भारत के सभी न्यायालय कर सकते हैं, सभी न्यायालय कर सकते हैं, संसद कर सकती है, राष्ट्रपति कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय कर सकता है, और भारत के सभी न्यायालय कर सकते हैं, आंसर बताइए फटाफट। क्या बात है अंजलि, प्रीति, दंशिका, एक भी बच्चा गलत नहीं है। आईएस वी, प्रीति, विशाल, ऋतु, बहुत ही बढ़िया, एक बच्चा बी कर रहा है, मुझे लग रहा है मौर्या, केपी कैसे गलत कर रहे हो, मुझे लग रहा है आपसे गलती से गलत हुआ है, ये क्वेश्चन गलत करने लायक नहीं है। आर्टिकल भी याद होने चाहिए भाई, कौन से आर्टिकल्स के तहत बेसिकली फंडामेंटल राइट का संरक्षण, फंडामेंटल राइट्स को लागू करने का प्रयास किया जाता है, किसके द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स करते हैं, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल भी आपको पता होंगे, कोई बच्चा बताएगा मुझे सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत और हाई कोर्ट्स किस आर्टिकल के तहत बेसिकली, क्या बात है अंजलि, मनीष, मधु, रिया, दंशिका, विशाल, नीतू, बहुत बढ़िया, अमरेश, वसीम, वेरी गुड। याद रखना सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 और उच्च न्यायालय आर्टिकल 226, ठीक है। तो पांच रिट्स है, कहीं ना कहीं संरक्षण का काम, इनको लागू करने का काम करते कौन है, सर्वोच्च न्यायालय करते हैं, हाई कोर्ट करते हैं। और जब मैंने आर्टिकल 32 पढ़ाया था, ध्यान से सुनिएगा, उसमें एक प्रोविजन है आर्टिकल 32 के तहत कि यदि संसद चाहे तो अन्य न्यायालयों में भी रिट की शक्ति को विस्तारित कर सकती है, अन्य न्यायालय मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड दूसरे जो छोटे मोटे कोर्ट्स हैं उनमें भी रिट्स की जो शक्ति है उसको क्या कर सकती है, विस्तारित कर सकती है, लेकिन अभी तक विस्तारित किया नहीं है। इसलिए वर्तमान समय तक जो रिट जारी करने की शक्ति है वो केवल सुप्रीम कोर्ट को है आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट को है आर्टिकल 226 के तहत, ठीक है, वेरी गुड। बता दो बच्चों वाला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार क्या है, वाद योग्य है, अवाद योग्य है, लचीले हैं, कठोर हैं, क्या होंगे फटाफट। कल से स्पेक्ट्रम चलेगा, किसी बच्चे ने लिखा है ना मैम स्पेक्ट्रम, ऐसा करती हूँ ना स्पेक्ट्रम को थोड़ा खींच देते हैं, है ना, क्योंकि पॉलिटी हमारे लगभग 40 के आसपास लेक्चर हो रखे हैं, तो स्पेक्ट्रम के भी 40 लेक्चर करते हैं, उसके बाद इक्वल चलेंगे दो तीन दिन, ताकि हमारा ऑलमोस्ट दिसंबर या 15 जनवरी के आसपास तक कंप्लीट हो जाए, फिर हम करेंगे धुआंधार MCQs। और जब हमारा स्पेक्ट्रम कंप्लीट हो चुका होगा ना, और इधर लक्ष्मीकांत कंप्लीट हो चुका होगा, तो फिर हम MCQs को करेंगे, ताकि PT में ना हिस्ट्री और पॉलिटी ये दोनों सेक्शन जबरदस्त हो जाए। और इस बार मैं सोच रही हूँ इकोनॉमी के भी MCQ कम से कम आप लोगों को मैं कराऊंगी विद कंसेप्चुअल क्लियरिटी, ठीक है। चलो आगे, करेक्ट आंसर, वेरी गुड, वाद योग्य। वाद योग्य का मतलब क्या होता है कि यदि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो हम कहां जा सकते हैं भागते हुए, हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, वो हमारी मर्जी, हमें कहां जाना है। ये होता है वाद योग्य, यानी जो न्यायालय सुनवाई करे, मतलब एक तरीके से हम न्यायालय जा सके, जिनका संरक्षण करे न्यायालय। अब आप कहोगे कि DPSP क्या है, तो अवाद योग्य है, मतलब वाद योग्य नहीं है। मान लो यदि DPSP के किसी प्रोविजन में कुछ लिखा है और आप कहो न्यायालय जी ये देखिए DPSP के इस फलाने प्रोविजन में ये चीज लिखी है, हमको मिल नहीं रही है, तो न्यायालय कहेगा देखो बाबू ऐसा है,
फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ होता तो आप आते, क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट वाद योग्य है, आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं होने देंगे हम। लेकिन डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है, इसलिए अपना टाइम वेस्ट मत करो। डीपीएसपी अवाद योग्य है, यानी आप डीपीएसपी का उल्लंघन होने पे सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह नहीं जा सकते। तो डीपीएसपी अवाद योग्य है। ये बताओ फंडामेंटल ड्यूटी क्या है भाई? फंडामेंटल ड्यूटी प्रवर्तनीय है कि नहीं है? याद रखना, प्रवर्तनीय नहीं है। इसके बाद प्रस्तावना की बात की जाए कि प्रस्तावना में तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात है, मुझे तो सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा, तो कहां जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे, ध्यान रखना। प्रस्तावना भी प्रवर्तनीय नहीं है, प्रस्तावना भी अवाद योग्य है। मतलब चार बेसिक चीजें होती है, चार आधार स्तंभ होते हैं हमारे संविधान के, जिसमें हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज को पढ़ते हैं, डीपीएसपी को पढ़ते हैं और फंडामेंटल राइट्स को पढ़ते हैं। इन चारों में केवल फंडामेंटल राइट ही वाद योग्य है, बाकी या प्रवर्तनीय है, बाकी के सारे अप्रवर्तनीय है, अवाद योग्य है, नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है, बहुत बढ़िया। बताओ मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। आंसर क्या होगा? बिल्कुल कर सकते हैं दंशिका, अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन अमेंडमेंट अभी बताऊंगी। अमेंडमेंट जो करेंगे ना, वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा करेंगे, सामान्य कानून बना के अमेंडमेंट नहीं कर सकते। न्यायालय बैठा है ऊपर, तुरंत टोक देगा। बहुत बढ़िया भाई, किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है। कई बच्चे ना इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पे निलंबित होते हैं तो हमें पता है कि आर्टिकल 358 और 359 की कंडीशन में क्या होता है। राष्ट्रपति तो निलंबित करते हैं, लेकिन कई बच्चों को लग सकता है सी। नहीं बच्चे, ध्यान रखना, राष्ट्रपति की इच्छा पे निलंबित नहीं होते। शब्दों के जाल में मत फंसना, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है किसी दिन राष्ट्रपति जी उठे सुबह सुबह और कहें आज कुछ तूफानी करते हैं, आज क्या करें तो मौलिक अधिकारों को निलंबित करते हैं, ऐसा राष्ट्रपति जी कर ही नहीं सकते। याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट को केवल आपातकालीन स्थितियों में ही निलंबित किया जा सकता है, और उसमें भी आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 कभी भी निलंबित नहीं होंगे। भले ही आपातकाल आए, आंधी आए, तूफान आए, सुनामी आए, भूकंप आ जाए, कब कुछ भी हो जाए, आर्टिकल 20 और 21 निलंबित नहीं होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बाकी ये तो मैं डिटेल से आप लोगों को आपातकालीन प्रावधान पढ़ा चुकी हूं आरंभ बैच में। आपातकालीन प्रावधान पे डिटेल से सुनना अगर आपको आर्टिकल 358 और 359 में डाउट है, तो यहां से डीप क्वेश्चन अगला यहीं से बनेगा। याद रखना मेरी इस बात को, यदि फंडामेंटल राइट या इनके उल्लंघन, निलंबन वगैरह से क्वेश्चन बनता है ना, तो अगला क्वेश्चन 358 और 359 से तैयार रहना। ठीक है, ध्यान रखना। ये बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? बता दो एक, यार ये कोई क्वेश्चन नहीं है लेकिन फिर भी बता दो यार। भाग कौन बताएगा, किस भाग में है, फिल इन द ब्लैंक, और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? सबको पता है, वेरी गुड विशाल, दिव्या, वसीम, दंशिका, रितु, रोहित, गरिमा, प्रीति, कौसर, वानी, वेरी गुड। याद रखना 12 से 35, और भाग कौन बताएगा, भाग 4 कौन लिख रहा है, रिया, गड़बड़ बात, ध्यान रखना भाग 3, कंफ्यूज मत हो। भाग 4 में क्या है? भाग 4 में है डीपीएसपी, भाग 3 में है फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट का जिक्र है। ये बताइए, भारत में मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित वाक्यों पे विचार करना है जी। ठीक है, पहला जो फंडामेंटल राइट है वो राज्य के कार्यों, कृत्य का मतलब होता है कार्यों के विरुद्ध एक गारंटी है। फंडामेंटल राइट राज्यों के कार्यों के विरुद्ध एक गारंटी है। ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को फंडामेंटल राइट सुनिश्चित करते हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। आंसर क्या होगा? वेरी गुड दिव्या, करण, अंजलि, मौर्य, अंकित, बहुत ही बढ़िया, वसीम, देव, वेरी गुड। याद रखिएगा, गोल किसको करना है, नहीं को। जल्दबाजी में ब्लंडर मत कराना भूल के।
फटाफट गोल कीजिए नहीं को, बोल रहे संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स की भांति नहीं है, तो गलत हो जाएगा। हमारे जो फंडामेंटल राइट है ना, वो कहीं ना कहीं यूएसए के बिल ऑफ राइट की भांति है, ठीक है। तो पहली बात तो इसको काटो फटाफट, चार क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे ही चार गलत गलत गलत, और आपको पता है एक तो 100% सही है। कंसेप्ट समझ में आया, एक क्यों सही है मैं समझाती हूँ। देखो, राज्य के कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, यानी मान लीजिए ये है फंडामेंटल राइट, ये है फंडामेंटल राइट। इन फंडामेंटल राइट को यदि राज्य कम करने का प्रयास करता है, छीनने का प्रयास करता है, और वो भी सामान्य बहुमत के द्वारा, सामान्य कानूनी प्रक्रिया के द्वारा, तो क्या हो जाएगा, गारंटी है ये नागरिकों के पास कि राज्य ऐसा नहीं कर सकता। कहां जा सकते हैं नागरिक, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कहेगा कि देखो भाई साहब, ये आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है, आप फंडामेंटल राइट को कम नहीं कर सकते, छीन नहीं सकते सामान्य कानूनी प्रक्रिया के द्वारा। ये जो सामान्य कानूनी प्रक्रिया में बार बार बोल रही हूँ ना, इसका मतलब है, क्योंकि यदि ये क्वेश्चन आ जाए कि संसद फंडामेंटल राइट को संशोधित कर सकती है, तो मुझे ये बताइए ये गलत होगा कि सही होगा। संशोधन कर सकती है लेकिन, यानी फंडामेंटल राइट को कम भी कर सकती है, परिवर्तन भी कर सकती है, लेकिन सामान्य बहुमत के द्वारा नहीं कर सकती, मतलब सामान्य कानूनी प्रक्रिया के द्वारा नहीं कर सकती, बल्कि एक 368 की जो विधि है, 368 के तहत जो संविधान संशोधन की जो पूरी प्रोसेस है, उस प्रोसेस के द्वारा ही क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है फंडामेंटल राइट को, ठीक है। सामान्य विधायी प्रक्रिया द्वारा वो नहीं किया जा सकता, तो संसद संशोधन तो कर सकती है लेकिन संविधान संशोधन प्रक्रिया के द्वारा, ये राज्य के विरुद्ध एक गारंटी है। तो जी बिल्कुल गारंटी है, फंडामेंटल राइट हम जा सकते हैं सीधे, और संविधान के भाग 3 में है जी बिल्कुल। 3 क्यों गलत है, क्योंकि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय कौन सुनिश्चित करता है, मुझे कौन बताएगा। 2 प्रोविजन ऐसे हैं हमारे संविधान में जो सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं, कौन बताएगा। बहुत ही बढ़िया पूनम जेरिया, बहुत ही बढ़िया बच्चे। डीपीएसपी और फंडामेंटल, डीपीएसपी और प्रस्तावना, बहुत बढ़िया दिव्या, याद रखिएगा आंसर इसका हो जाएगा ए, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की स्थापना फंडामेंटल राइट नहीं करते, सीधी सीधी प्रस्तावना करती है, और आर्टिकल 38 के तहत कौन करता है, तो डीपीएसपी करते हैं, ठीक है, वेरी गुड। ये बताइए निम्नलिखित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में क्वेश्चन आया था आईएएस के एग्जाम में, वो यहीं से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, मतलब कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो सत्ता के ऊपर नियंत्रण लगाता है। आर्टिकल 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, ए बी सी डी। वेरी गुड करण, पवन, अंजलि, प्रीति, बहुत बढ़िया दिव्या, दंशिका, आईएसबी, मधु, वसीम, बहुत बढ़िया। आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 14 विधियों के समक्ष समानता और विधियों के समक्ष समान संरक्षण, विधियों के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण। यदि हम यदि केवल इक्वेलिटी की बात कर ले, विधियों के समक्ष सब समान है, तो कोई भी सत्ता ऐसी विधि नहीं बना सकती जो ये प्रोविजन कर दे कि विधियों के समक्ष कुछ लोग असमान है, कुछ लोग समान है, यानी ये पूर्ण नियंत्रण लगाता है ऐसी सत्ता के विधायन के ऊपर। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 14। क्यों, आर्टिकल 14 व्यवस्था करता है विधियों के समक्ष सब समान है और विधियों के समक्ष समान संरक्षण की बात करता है आर्टिकल 14। तो ये विधि के समक्ष समानता के तहत सत्ता के ऊपर पूर्ण नियंत्रण लगाता है कि सत्ता कोई भी ऐसा विधायन नहीं बना सकती जो इस प्रोविजन का उल्लंघन करेगा, ठीक है, तो आर्टिकल 14 आंसर होगा। इसके अलावा ये बता दो, कानून के समान संरक्षण की बात कहां की गई है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, फटाफट बता दो, 12, 13, 14, 15 कानून के समक्ष समान संरक्षण की बात कहां की गई है, समान के साथ समान, असमान के साथ असमान, बर्ताव, विधियां,
वेरी गुड, याद रखिएगा दो चीजें हैं आर्टिकल 14 में, एक है विधियों के समक्ष समानता, एक है विधियों के समक्ष समान संरक्षण। दोनों को डिटेल से पढ़ाया गया है। फंडामेंटल राइट की जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आरंभ बैच अपना, उसमें आप लोगों को पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट बहुत डिटेल से पढ़ाए गए हैं। यदि कहीं मतलब मैंने बहुत शिद्दत से पढ़ाया यार, वहां से बाहर क्वेश्चन नहीं बन सकता। ये बताइए समानता का अधिकार राइट टू इक्वेलिटी संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत है? आर्टिकल 13, 14, 15, 16 कितने अधिकारों के तहत है? क्या बताओ किस किस के तहत है? 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4 सभी चारों। बताइए आंसर क्या होगा। वेरी गुड, ध्यान रखिएगा आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 यानी 14, 15, 16, 17 और 18 ये पांच आर्टिकल राइट टू इक्वेलिटी की बात करते हैं। यानी आर्टिकल 13 राइट टू इक्वेलिटी में नहीं आएगा। हमको पता है आर्टिकल 13 क्या है, संविधान के पूर्व की विधियां वहां तक अशून्य होंगी जहां तक वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती हैं। इसके अलावा और भी कई सारी बातें हैं आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 ये पांच अनुच्छेद राइट टू इक्वेलिटी से रिलेटेड है, तो आंसर हो जाएगा 2, 3, 4। ठीक है, ये बताइए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, किस आर्टिकल के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में जिसमें गैर सरकारी और गैर अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थान भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? आरक्षण की सुविधा कहाँ है जी? 16(4) में, 16 मतलब गैर अनुदान और निजी क्षेत्र बेसिकली में भी जो अनुसूचित जाति जनजाति इत्यादि को आरक्षण की सुविधा दी गई है। 15(4), 15(5), 16(4), 16(5) वेरी गुड करण, दिव्या, मणिकर्णिका बहुत बढ़िया, रैना, प्रीति गलत हो गया, वीरू बहुत बढ़िया बच्चे, अनामिका याद रखेगा 15(5). इस 15 वाले को ना थोड़ा डिटेल से पढ़ लेना। 15(5) में साफ साफ व्यवस्था है कि जो गैर सरकारी और गैर अनुदान प्राप्त संस्थान भी हैं उसमें भी अनुसूचित जाति और जनजाति के जो के आरक्षण का प्रोविजन किया गया है। ये बताओ भाई सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र में समान आधार स्थापित करने के उद्देश्य से जो स्टेट है, जो राज्य है, वो असमान लोगों के साथ भिन्न व्यवहार कर सकता है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। दूसरा पार्ट है इसका, समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है, दोनों सही है, सही स्पष्टीकरण नहीं है, दोनों सही है, सही स्पष्टीकरण है। आंसर बता दीजिए फटाफट, कौन बताएगा सबसे पहले? वेरी गुड करण, बहुत बढ़िया, कोई और? कौसर बहुत बढ़िया, रैना, दीपक ऊपर से गया क्या कुछ बच्चों के क्वेश्चन? कनक गलत बात, मनीष वेरी गुड, दीपक बहुत बढ़िया, और कोई? काफी सारे बच्चे सही कर रहे हैं, अंकित सही है, देव। यहाँ पे ना कंफ्यूजन हो रहा है, याद आया आपको एक एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पे बताती हूँ। देखो कुछ चीजें ना कंसेप्चुअली आपकी अगर क्लियर है तो फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको। मैंने क्या फटाफट बताऊंगी, ज्यादा समय नहीं लूंगी। आपको पता है कि ये एक दीवार है, क्या है? एक दीवार है। इस दीवार के इस साइड हो रहा है क्रिकेट, आप लोगों का फेवरेट गेम हो रहा है क्रिकेट, और विराट कोहली कर रहे हैं बैटिंग। एनीवे यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, इसकी गर्दन यहाँ आ रही है, मतलब दीवार के इस साइड खड़ा है ये व्यक्ति। मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है तो थोड़ा माफ कीजिएगा। तो इसकी आंखें वाखें उधर होंगी, हम इसके बाल बना देते हैं। यहाँ पे ये व्यक्ति खड़ा है आराम से, ये इसकी टांगे, लंबा व्यक्ति है, इसको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये तालियां भी बजाए जा रहा है। दूसरा व्यक्ति भी ठीक ठाक इसको दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। अब एक व्यक्ति है, इसकी ना यहीं तक गर्दन आ रही है, ऐसे गर्दन ऊपर करके उठाया जा रहा है, पता लगे गर्दन दर्द हो जाएगी बेचारे की। ठीक, एक व्यक्ति ये है जी, और एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, इसकी गर्दन यहाँ है, ये है जी। ये चार व्यक्ति है। आर्टिकल 14 को आपको इन चार व्यक्तियों में ही डिफाइन करना होता है, ठीक है? आर्टिकल 14 में ना मतलब आपको इन चार व्यक्तियों में डिफाइन करो। देखो ये जो दो व्यक्ति है ना, ये क्या है?
सेकंड जो ऑप्शन है ना इस क्वेश्चन का, समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। यानी ये दो लोग समान हैं, इसको भी दिखाई दे रहा है, इसको भी दिखाई, इस भाई साहब को भी, इस भाई साहब को जेल लगा देते हैं, बाल खड़े, ठीक है, नीतू कह रही थी तो जेल लगा दिया हम। तो ये दो भाई साहब जो है ना ये इक्वल है, इनको साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों के लिए जो विधि होगी ना वो समान होगी। लेकिन ये जो दो भाई साहब है इनके लिए समान विधि नहीं होगी, इसकी तो गर्दन दर्द करने लग जाएगी, तो राज्य इसके लिए स्टूल की व्यवस्था करेगा। जब ये स्टूल पे चढ़ जाएगा तो ये भी इनके इक्विवेलेंट आ जाएगा। यानी अब चलते हैं इस वाले पहले वाले पे, पहले वाला जो ऑप्शन था कि राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है, यानी जो असमान लोग हैं, जो पिछड़े हैं, जो वंचित हैं, उनके संरक्षण के लिए, उनके कल्याण के लिए राज्य कुछ विशेष प्रोविजन कर सकता है। यानी स्टूल लगा दिया राज्य ने, और अगला ये बेचारा तो इसके लिए तो थोड़ा और लंबे स्टूल का इंतजाम करना पड़ेगा, तो राज्य वो भी करेगा, यानी ये भी अब मैच देख पाएगा। अब ये हुए इक्वल, यानी आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष समान संरक्षण दो अवधारणाएं हैं। जो समान संरक्षण की अवधारणा है वो ये कहती है कि समान के साथ समान, यानी जो इक्वल है उनके साथ समान विधि हो, लेकिन जो असमान है ना उनके साथ असमान विधि होगी। इसका मतलब है कि राज्य उनके संरक्षण के क्या करेगा, प्रयास करेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रयास करेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा डी, दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी है, क्योंकि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं ना, आर्टिकल 14 को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान। सॉरी गाइस, बताओ भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद है जो संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधायिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? वेरी गुड, आर्टिकल 13। बाकी तो वैसे भी ऐसे क्वेश्चन में एलिमिनेशन भी है, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए कि संवैधानिक प्रावधान जो होंगे उनको संघीय संसद और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। इसका कंसेप्ट समझे आप लोग, इसका सीधा सा कंसेप्ट ये है कि यदि मान लीजिए संसद सामान्य कानून के द्वारा कर देती है फंडामेंटल राइट में संशोधन, तो वो अवैध हो जाएगा। लेकिन यदि यही संसद फंडामेंटल राइट में संशोधन करती है आर्टिकल 368 के तहत, तो ये वैध हो जाएगा। क्या बोल रहा है? संवैधानिक प्रावधानों को नियमों कानूनों पे प्राथमिकता प्रदान करता है। यानी कि यदि कोई नियम है और संवैधानिक प्रावधान है तो प्राथमिक कौन होगा, मान्य कौन होगा? संवैधानिक प्रावधान मान्य होगा, कानून मान्य नहीं होगा। आर्टिकल 13 में है भी कि वो समस्त विधियां, वो नियम, उपनियम, विधि, आदेश, अध्यादेश, जो नियम के जैसे होते हैं ये सब, यदि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करते हैं तो वो क्या होंगे, अवैध होंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 13 संवैधानिक प्रावधानों को प्राथमिकता देता है नियमों और कानूनों के ऊपर, ठीक है। ये बताइए आर्टिकल 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? आर्टिकल 13 का उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? डीपीएसपी के संदर्भ में, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, उपरोक्त सभी। इसमें तो मतलब कुछ कंसेप्ट भी नहीं लगाना, मतलब वैसे तो कंसेप्ट का खेल है, लेकिन फिर हमको पता है आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 किसकी बात है, आर्टिकल 12 से 35 फंडामेंटल राइट की बात है, तो आर्टिकल 13 भी इसी में आता है, यानी फंडामेंटल राइट की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। वही वाली बात कि कोई भी विधि, उपविधि, नियम, उपनियम, आदेश, अध्यादेश यदि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है तो वो शून्य होगा, संविधान के पूर्व की विधियां वहां तक शून्य होंगी, अमान्य होंगी, जहां तक वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती हैं। तो किसकी बात कर रहा है, फंडामेंटल राइट, ठीक है। ये बताइए भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार
चार अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वो अनुच्छेद बस फटाफट बता दो मुझे, एक सेकंड में, टाइम नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल फर्जी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस फटाफट आगे बढ़ती हूँ मैं। ये बी वाले कौन है? अच्छा आप पीछे वाला आंसर दे रहे हैं, मुझे लगा इतना बड़ा अनर्थ मत करना भाई, बहुत बढ़िया। चुलबुली पीछे वाले का आंसर दे रहे हो ना पक्का? ऐसे ठीक है, ठीक है, सब इसमें डाउट ही नहीं होना चाहिए, हमको पता है जब हम इनको फंडामेंटल राइट को डिवाइड करते हैं तो हमको पता है राइट टू इक्वलिटी 14 से 18 तक आएगा, है ना, उसके बाद 19 से 22 तक आएगा आपका स्वतंत्रता का अधिकार, 23 और 24 में आता है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 आता है आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और 29-30 में आता है आपको अपना सामाजिक और शैक्षणिक सांस्कृतिक से संबंधित अधिकार, अल्पसंख्यकों के जो अधिकार आते हैं वो 29 और 30 में आते हैं। ठीक है, ये बताइए उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं किंतु गैर नागरिकों को नहीं, यानी केवल उन्हीं फंडामेंटल राइट को बताइए जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, गैर भारतीयों को प्राप्त नहीं है। कौन कौन से ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, अल्पसंख्यकों के अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, 5 अनुच्छेद दिमाग के किसी कोने में फिक्स कर लो, यहां से पीसीएस हो, बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, आईएएस हो, हर जगह क्वेश्चन बनते हैं, एमपीपीसीएस हो, राजस्थान हो, बता दो फटाफट। तो इसमें आप जो भारतीय नागरिकों को होगा वो होगा ये, और वो होगा ऑप्शन ही गलत है भाई, ऑप्शन ही गलत है, ये ध्यान रखना, ये है। अब करो, अब करो, 1 और 3, वेरी गुड, कई बचों ने सीधा सीधा लिख दिया है 1 और 3, ध्यान रखना, यहाँ 2 था तो 2 तो आएगा ही नहीं, हमको ये पता होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और 30, ये 5 जो फंडामेंटल राइट है ना वो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, बाकी के जितने भी फंडामेंटल राइट है वो भारतीय नागरिकों के साथ गैर नागरिकों को भी प्राप्त होते हैं। तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19, कानून के समक्ष समता आर्टिकल 14, अल्पसंख्यकों के अधिकार आर्टिकल 29 और 30, और जीवन और स्वतंत्रता आर्टिकल 21। तो भारतीय नागरिकों को कौन कौन से प्राप्त है? तो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 29 और 30, यानी आर्टिकल 29 आपका 1 और 3 ऑप्शन हो जाए। ठीक है, ध्यान रखिए। बफिंग हो गई क्या? ये कैसे हो गया भाई? सही चल रहा था कई दिनों से। नहीं, इंटरनेट तो है। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं आया? स्टक हो गया। सही काम कर रहा है। क्लियर कहाँ है भाई नीतू सिंह? क्लियर कहाँ है बच्चे? नहीं नहीं मेरे में भी बफिंग हो रही है इसीलिए। थम गई। चलो कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं यार, ये तो गलत बात है यार, कितना सही चल रहा था अपनी क्लास, कितने बढ़िया से हम एमसीक्यू कर रहे थे। बताओ भाई आवाज आ रही है मेरी?